दोस्तों देखा जाए हम लोग यहाँ पे जो घटना चक्र का सूक्ष्म कह सकते हैं दृष्टि दिया रहता है दृष्टि, और उसी को हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं। यानी कि जो पूरे साल का प्रमुख घटनाक्रम है वो बिंदुवार मतलब कह सकते हैं पॉइंटर के रूप में यहाँ पे हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वाला सेक्शन जो है जो सूक्ष्म दृष्टि है इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, ये पूरा याद रहना चाहिए। अगर देखा जाए मोस्टली क्वेश्चन में भी यहीं से आ सकता है, क्योंकि जो हम लोग अंदर पढ़े थे पार्ट में वो क्या है उसका निचोड़ एक तरह से है। तो देखा जाए हम लोग इसको कई बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे जो आ रहा है इसमें महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नामकरण किया, पुनः इसका नामकरण किया। तो ये पुणे हवाई अड्डा था, पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया सरकार के द्वारा, और इस हवाई अड्डे का नाम जो रख गया यानी कि नया नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डा था उसका नामकरण कर दिया, यानी कि नया नाम रख दिया, और ये नया नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये दूसरे पोर्शन से रिलेटेड है। अब छठवें कह सकते हैं, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2023 और 24 में चार स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जो टॉप शीर्ष यहाँ पे सीट्स मतलब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में है। सबसे पहला देखा जाए केरल है, ठीक है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा जम्मू कश्मीर है, चौथा देखा जाए गुजरात है। सबसे फर्स्ट केरल है, दूसरा तमिलनाडु हो गया, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, चौथा यहाँ पे गुजरात है। तो ये कह सकते हैं छठवें जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2023-24 का, इसमें शीर्ष राज्य जो हैं यही हैं, यानी कि केरल है और तमिलनाडु है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और चौथा देखा जाए गुजरात है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने किस प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण यानी कि किया, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो नया नाम जो पुराना नाम था वो पोर्ट ब्लेयर था यानी कि पोर्ट ब्लेयर, और नया नाम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है श्री विजयपुरम है, विजयपुरम साम्राज्य से रिलेटेड नाम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम, तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक देखा जाए संत जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे का नाम, और यहाँ पे जो पोर्ट ब्लेयर नाम था उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यानी कि बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव है आयोजित किया गया। तो देखा जाए जो बुद्ध मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था 11 सितंबर अभी रिसेंटली ये नई दिल्ली में किया गया। ऐसे पूछा जाएगा हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, हमने पढ़ा था किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और कहाँ पे, गोरखपुर में, और एक उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़े ने किया यहाँ पर इस उद्घाटन पर किया गया तो इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। अब
आप जानते हैं गोरखपुर में सैनिक स्कूल हो गया, और यहाँ पे उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जगदीश धनखड़े के द्वारा। अब नेक्स्ट देखा जाए, हम लोग आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी, यानी कि जल संचय करना है और संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया गया, हम लोग डिटेल में इसको पढ़े थे, और 6 सितंबर 2024 में और सूरत गुजरात से किया। जल देखा जाए बहुत इम्पोर्टेंट, जल संचय और जन भागीदारी कि इसका जो पहल किया ये सूरत गुजरात से किया, ठीक है। तो सूरत, अब देखा जाए जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा है, तो ये देखा जाए जल शक्ति अभियान, जिसे हम लोग कैच द रेन कह सकते हैं, मतलब रेन वाटर को क्या करना है, बेसिकली संचित करना है, इसलिए यहाँ पे जल शक्ति अभियान या कैच द रेन, उसको मतलब समुद्र में नहीं जाना है, नदियों में नहीं जाना है, इसलिए कैच द रेन हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 6 सितंबर 2024 को सूरत में इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत शुरुआत किया। अब देखा जाए नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। अब विश्व शांति बुद्ध विहार और राष्ट्रपति के द्वारा किया गया तो इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया, ये महाराष्ट्र में जो जिला है उदगीर लातूर में इन्होंने किया, ठीक है, उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया, ठीक है। तो ये हो गया, अगर पूछा जाता है विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पे आयोजित किया गया प्रधान मतलब राष्ट्रपति के द्वारा, तो 4 सितंबर 2024 में और उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ पे हम ये पोर्शन में थोड़ा धीमे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें याद रखना, मेमोराइज, कुछ भी समझना नहीं है, केवल याद रखना। तो कई बार हम बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, और आप कई बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक कंथस्ट हो जाएगा एक तरह से। तो देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मतलब मंजूरी दी। 3D संग्रहालय, वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे, तो देखा जाए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वाराणसी में वहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको निर्मित होगा। ये अत्याधुनिक जो 3D संग्रहालय है ये किसको, यानी कि भारतीय ज्योतिषी और खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को क्या समर्पित होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय है और ये वाराणसी में है, और इसी में 3D संग्रहालय का एक मतलब मंजूरी मिली किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये एग्ज़ाम यूपी के एग्ज़ाम में ही ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की थी, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने किया था, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना ने किया। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवा प्रदान की जाएगी, जो प्रोजेक्ट नमन है इसके तहत किसको सहायता और सेवाएं दी जाएगी, ये रक्षा पेंशन भोगियों को, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार जन को, इसमें प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किया गया और भारतीय थल सेना से रिलेटेड है ये, ठीक है। और प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन में केंद्रित होगा, बेसिकली स्पर्श यानी सिस्टम स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, उसे हम लोग। और एक डिजिटल पेंशन प्रणाली होगा, क्या होगा, डिजिटल अत्याधुनिक रहेगा, डिजिटल पेंशन प्रणाली होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति की
मंजूरी प्रदान किया गया। डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति लागू हुआ और 2024 में लागू हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा बने हैं और ये अगस्त में बने हैं इसके अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार खेल विश्वविद्यालय बनेगा बिहार में और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया और ये अगस्त में किया गया और राजगीर नालंदा में ये किया गया, राजगीर नालंदा में किया गया और यहाँ पे क्या बनेगा? बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया और यहाँ पे बन रहा। अब देखा जाए नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा किया? अब देखा जाए इसमें से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे देखा जाए 5 नए ज़िले बनाए गए लद्दाख में और इन 5ों ज़िलों का नाम जो है, एक तो जस्कर हो गया जस्कर रेंजवारा, दूसरा द्रास हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया और चांगथांग हो गया। तो आपको ये 5ों नाम याद रखना है, जस्कर हो गया, द्रास हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया और चांगथांग हो गया। तो आप ये याद रख सकते हैं, जिसमें जस्कर हो गया, जस्कर एस जेड से रहता है जस्कर, और द्रास हो गया और शाम हो गया, नुब्रा हो गया और चांगथांग हो गया। जब ऑप्शन में पूछेगा इनमें से कौन सा ज़िला नया ज़िला नहीं बना तो आपको गलती हो जाएगी, इसलिए इसको याद रखना, जस्कर, द्रास हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया और चांगथांग हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी ने किससे किया? बनारस हिंदी विश्वविद्यालय से किया। नेपाल अकादमी ने समझौता किया कि हम नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के बीच में क्या समझौता हुआ, नेपाली भाषा यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृति नेपाली लोगों को। अब आते हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? पीएम मोदी ने के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को यहाँ पे हरी झंडी दी? एक तरह से 9 अगस्त 2024 का मामला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि PMAYU अर्बन है, बेसिकली शहरी 2.0 का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मंजूरी दिया गया 2.0। तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना दो मतलब 2.0 है ये शुरुआत फिर से कर दिया गया है, ठीक है, 2024 में। अब प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब जून 2015 में किया गया, लगभग 9 साल 10 साल हो गया, उसके बाद 2.0 का शुरुआत किया गया अगस्त में, ये जून में किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता यानी कि सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुश्री रेखा शर्मा है और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, यानी कि इसका डिजिटल शक्ति केंद्र का मेन जो काम है वो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बीमा कराने देश का पहला राज्य तो ये नागालैंड है, ये नागालैंड है यानी कि अगस्त 2024। अब देखा जाए देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू यानी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से चार ऐप शुरू किए? इसमें देश में नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से जो नए आपराधिक कानून बने
ठीक है, उनको अच्छे से स्टार्ट करने ने ई साच एक एफ है, एक न्याय सिद्ध है, ठीक है, एक न्याय श्रुति है और ई ई सम्मन है। तो यहाँ पे चार नए ऐप शुरुआत किया गया देश के नए अपराध कानून को सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए। तो एक तो ई साक्ष है साक्ष के लिए, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई सम्मन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा गोरखपुर से लेकर? तो एक गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस बनाया जाएगा और ये पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर का ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसमें दूसरा, सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है जो वे तीन राज्यों से होकर गुजरेगा। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल जाएगा। ये कितना है 519 किलोमीटर का ये दूरी तय करेगा, ठीक है। अब भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? भूतापी अब देखा जाए ये पहला है, इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो पुंगा घाटी लद्दाख में, भूतापी यहीं पे मिलेगा, पुंगा घाटी लद्दाख में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पुंगा घाटी लद्दाख में सबसे पहले यानी कि भूतापी विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब देखा जाए केरल में, तो आप जान ही रहे हैं केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो ये 13वां स्थान दिया गया और ये रुद्रप्रयाग का जो प्रथम स्थान था और इसमें 13वां स्थान इसको मिला, ठीक है। अब देखा जाए राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो हुआ और ये कहाँ पे हुआ और इसका आयोजन कह सकते 30 और 31 जुलाई 2024 को हुआ, भारतीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024, तो ये भोपाल में हुआ, तो आपको नाम याद रखना। और इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, यानी कि अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाएगा 100%, क्योंकि राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया और इसका जो दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया यानी कि रिपब्लिक मंडप, और जो अशोक हाल मंडप रखा गया दूसरा अशोक हाल मंडप ही है क्रम से। तो इसमें देखा जाए दरबार हाल, राष्ट्रीय भवन दरबार हाल और अशोक हाल का, मतलब अशोक हाल का नाम बदल के मंडप रख दिया गया, ये तो ठीक है क्योंकि अशोक जी के नाम पे था, दरबार हाल ये बदल के गणतंत्र मंडल रख दिया गया। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट होना। अब भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारम्भ किया गया 500वें, ठीक है। तो आइजोल में अब मिजोरम में 90.00 FM का शुरुआत किया गया है, ठीक है, और आइजोल मिजोरम। अब देखा जाए सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण किया गया और ये सिंकुन ला परियोजना है का निर्माण कहाँ पे किया गया ये देखा जाए तो शुभारम्भ 26 जुलाई 2024 लद्दाख में किया गया। तो आपको पता है सिंकुन ला सुरंग कहाँ पे है? लद्दाख में। अब यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर होगा? तो 15,800 फीट ऊंचाई पे होगा ये सुरंग, देखा जाए काफ़ी। और इसकी लंबाई क्या है? 4.1 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगा? तो अब देखा जाए यहाँ पे क्योंकि 15,800 फीट ऊंचाई पे और सिंकुन ला सुरंग और ये कहाँ है? लद्दाख में है और इसकी जो लेंथ है ये 4.1 किलोमीटर है। तो ये अब एक स्टैटिक जीके के रूप में भी आपका हो जाएगा
क्योंकि अब पूछा जाएगा सबसे हाई मतलब ऊंचाई पे कौन सा सुरंग है, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे सिंकुनला सुरंग है। और ये कहाँ पे है, सिंकुनला सुरंग लद्दाख में है। अब यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा किया, तो मित्र वन का यहाँ पे घोषणा किया है। मित्र वन तो भारत का पहला चैडविक हाउस और इनकी नेविगेटिंग आर्डिट अरे हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और देखा जाए पहला चैडविक हाउस है और ये नेविगेटिव आर्डिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पर किया गया, तो ये 24 जून 2024 को शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, ये प्रेरणा स्थल का कह सकते हैं, प्रेरणा स्थल यानी कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, और जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताएं का प्रतिमा है और स्वतंत्र सेनानियों का तो ये प्रेरणा स्थल है। केंद्र सरकार द्वारा डाक अधिनियम 2023 के प्रावधान को कब लागू किया, तो 18 जून 2024 को डाक अधिनियम 2023 लागू किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किया जाने की मंजूरी प्रदान की। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रहेगा, यानी कि गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्बेश्वर राज्य यहाँ पे विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं देखा जाए लोकसभा का प्रोटम स्पीकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 18 लोकसभा के प्रोटम स्पीकर आप जानते हैं, कन्वेंशनली जो सबसे कह सकते बुजुर्ग एमपी चुने जाते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन बने, यानी कि भर्तृहरि महताब इनको बनाया गया, ठीक है, प्रोटम स्पीकर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास और नव भारत मतलब न्यू इंडियन लैंग्वेज जो कार्यक्रम है प्रोग्राम लॉन्च किया, यानी कि उल्लास कह सकते हैं न्यू इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया, पूर्ण कार्यात्मक तो उल्लास देखा जाए चलाया गया था कहाँ पे, लद्दाख में, ये पूर्ण साक्षरता हासिल करने में सक्षम रहा। अब देखा जाए उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा। अब देखा जाए यूपी के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि बायोप्लास्टिक पार्क यहाँ पे स्थापित किया जाए और कम्भी गांव लखीमपुर खीरी में ये किया जा रहा है, कुंभी गांव और लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली और राजस्थान में निर्मित किया गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे, पाली और राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के मतलब 100वें वर्ष पूरा हुआ, तो बायोकॉम सत्याग्रह और इसका देखा जाए 100 साल पूरा हुआ। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 18वीं लोकसभा की 543 सीटों
पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई। अब देखा जाए इसमें जो कुल महिलाएं चुनी गई 74 महिलाएं चुनी गई और इसका प्रतिशत कितना है पूरा का 13.63 है, तो यहाँ पे 74 महिलाएं चुनी गई। अब आते हैं बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की आधारशिला रखी गई, ये कहाँ छतरपुर, छतरपुर कहाँ पे है मध्य प्रदेश में है और वहाँ पे आधारशिला रखा गया। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण यानी कि गीगा फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा किया गया, तो जम्मू और कश्मीर में किया गया है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण। किस राज्य की पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया, तो त्रिनेत्र ऐप आप जान ही रहे हैं, सुने होंगे, आपके यहाँ भी लग रहा होगा, तो उत्तर प्रदेश जो CCTV कैमरा लगाते हैं उसी को बोल रहे हैं त्रिनेत्र मतलब, और यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया 2.0 उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली पहले मेट्रो रेल का उद्घाटन। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश ही बनेगा क्योंकि जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा है, तो 5 करोड़ आयुष्मान और कार्ड जारी करने वाला, ठीक है, यानी कि 25 करोड़ में से कह सकते हैं 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश। अब रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन हेतु देने हेतु किस योजना का शुरुआत किया गया रक्षा प्रौद्योगिकी में, तो अदिति योजना का शुरुआत किया गया, अदिति योजना का। पहली अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये BPSC के एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, UP के भी एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है बना कहाँ पे, उद्घाटन किया गया बिहार में किया गया। और किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया, तो ये रायबरेली में किया गया, रायबरेली में एम्स पहले से लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ कह सकते हैं, ऐसे था तो यहाँ पे उद्घाटन कर दिया गया 25 फरवरी 2024 को, तो ये रायबरेली में एक तरह से बहुत फंक्शनल नहीं था, नॉन फंक्शनल था, उद्घाटन कर दिया गया अब चलेगा। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी आप विक्रमादित्य को जानते हैं, ठीक है, स्थापित विश्व की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, विक्रमादित्य घड़ी कहाँ पे लगाया गया, उज्जैन और मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में। और देश की सबसे लंबे केबल आधारित पुल केबल है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये 2024 में गुजरात में किया। नवीं रायसीना डायलॉग जो है, नवा रायसीना डायलॉग से क्वेश्चन आता है, 2024 का उद्घाटन किया गया और बेसिकली आयोजन सारी किया गया और ये कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया रायसीना, तो रायसीना नवा रायसीना डायलॉग था और डायलॉग कहाँ पे हुआ, रायसीना डायलॉग तो नई दिल्ली में हुआ। और इस मतलब रायसीना नवा रायसीना डायलॉग 2024 का जो विषय था चतुरंग, यानी कि चतुरंग में संघर्ष हो गया, चार पत्र प्रतियोगिता हो गया और सहयोग हो गया निर्माण, यानी कि संघर्ष प्रतियोगिता और सहयोग और निर्माण, ठीक है। ये क्या है इसका मतलब, चतुरंग इसलिए बोला गया, चार रंग हैं इसके, संघर्ष हो गया, प्रतियोगिता हो गया, सहयोग या और निर्माण हो गया। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा मंत्री ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू किया, तो इसमें देखा जाए फरवरी 2024 में किया गया और इसका नाम था अपार
आपार, और आपार का जो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसमें ऑटोमेटेड परमानेंट, ऑटोमेटेड है, परमानेंट है, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। देश के पहले कौशल भारत स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया और फरवरी 2024 में और सबलपुर और उड़ीसा में किया गया। स्टेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेम पूछा जा सकता है, और स्टेम देखा जाए STEMM, तो इसमें क्या है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है और मेडिसिन है। तो आप याद रख सकते हैं, साइंस टेक आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं साइंस टेक, और इसमें बेसिकली इंजीनियरिंग हो गया, और इंजीनियरिंग हो गया तो इसमें बीच में मैथमेटिक्स आ गया, और उसके बाद मेडिकल साइंस आ गया, मेडिसिन चिकित्सा के में भारतीय महिलाओं लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। अब देखा जाए लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मार्च में, ये 10 मार्च 2024 की बात है, अजय मणि कराव और खान बिलक, यानी कि अजय मणि कराव खाना बिल कर, अजय मणि राव खाना बिल कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? और श्री कलिकी धाम मंदिर का उद्घाटन किया, और ये जिला किस में है? संभल जिले में है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कलिकी धाम मंदिर क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये संभल जिले में है, उत्तर प्रदेश के संभल जिला में, और यहाँ पे श्री कलिकी धाम का उद्घाटन किया गया। किसे असम का राज्य फल यानी कि स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो असम का जो स्टेट फ्रूट है वो काजी नेमू यानी कि सिट्रस लेमन, यानी कि काजी लेमू है, जो हम लोग कागजी लेमन बोलते हैं उसे काजी नेमू सिट्रस लेमन बोला जाता है, उसी को मतलब स्टेट फ्रूट ऑफ असम। तो 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय ट्विन थीम क्या थे? तो किसी विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की मातृका, ये इसका थीम था। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इनुअल मैक्रो थे, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये थे 2024 के 26 जनवरी में आए थे इंडिया में। और 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, जिसमें जजों के पैनल के मूल्यांकन का आधार पर किस राज्य की झांकी को कह सकते हैं, मिला तो उड़ीसा के राज्य को मिला था अच्छे झांकी के लिए, तो काफ़ी पुराना हो गया तो कम ही आ सकता है, लेकिन उस समय एग्जाम में इम्पॉर्टेंट था। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। अब राज्य स्टार्टअप रैंक 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कैटेगरी यानी कि ए स्टेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन किया? तो गुजरात किया, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, 1 करोड़ से अधिक वाले जनसंख्या वाले, तो गुजरात, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्य के नेतृकर्ता यानी कि लीडर किन्हें घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे देखा जाए ब्राइवेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया, ब्राइवेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो देखा जाए ये हमने राष्ट्रीय वाला चीज़ कर लिया, ठीक है, ये आपको किसी तरह से कम याद रखना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।